हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेज वंदा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं भी अच्छे हैं तो आज की ये वीडियो देख के आप डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि गाइस आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ जिसे मंगवाने का मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी और फाइनली 2-3 दिन पहले मैंने ऑर्डर कर दिया और वो प्रोडक्ट अब आ चुका है हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। वैसे आपको तो टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या है इस पार्सल के अंदर, ठीक है। तो पहले हम ये ब्राउन वाला जो पैकेट है इसे उतार लेते हैं और फिर बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। ओह, ये क्या है? ये देखो गाइस क्या आया है इसके साथ। पता नहीं कहाँ से ये कील आ गया इसके साथ। चलिए इसे साइड रखते हैं और इस पार्सल को खोलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हमारा प्रोडक्ट। ये देखिए, उल्टा बॉक्स बाहर निकाल रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पे इसका बिल है। पहले हम इसे साइड कर देते हैं और इसे देखते हैं। सो गाइस, ये है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉक्स और यहाँ पे ब्रांड का नेम मेंशन है जो कि है एलो इनोवेयर। यहाँ पे लिखा है गुडनेस ऑफ ग्लास, फूड सेफ माइक्रोवेव, 450 डिग्री सेल्सियस ओवन सेफ ग्लास लंच बॉक्स। ये बैग स्टाइल है, मतलब जो बैग का प्रिंट है वो ये वाला है, कलर और प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन है फॉर द फर्स्ट टाइम विद ब्रेक फ्री डिटैचेबल लॉक्स। इस तरीके से डिटैचेबल लॉक्स हैं इस लंच बॉक्स के। और यहाँ पे साइज मेंशन है, यहाँ पे इसका वेट भी मेंशन है। वेट आप देख सकते हैं 1.380 kg। और इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है? दो मिलते हैं आपको 390 ml के राउंड कंटेनर्स, दो मिलते हैं आपको 310 ml के स्क्वायर कंटेनर्स एंड लिड्स विद ब्रेक फ्री लॉक्स एंड 1 टिफिन बैग, ठीक है। यहाँ पे इनका QR कोड भी है अगर आपको चेक करना है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास मेड विद लव, ठीक है। आई एम फूड सेफ, आई एम इजी टू क्लीन, आई एम ग्रीन, आई एम लीक प्रूफ, आई एम माइक्रोवेव सेफ, ब्रेक फ्री डिटैचेबल लॉक्स, आई एम ओवन सेफ, हैंड रिमूवेबल यूनिक सिलिकॉन रिंग। और यहाँ पे वेरिएंट्स हैं। और गाइस, ये जो लंच बॉक्स है ये इस तरीके के बैग के साथ आता है। मुझे ग्लास का लंच बॉक्स चाहिए था और विद बैग चाहिए था, इसलिए मैंने ये लंच बॉक्स ऑर्डर किया है। वाओ, वेरी नाइस। ओके गाइस, काफ़ी हैवी है ये। सो गाइस, इस तरीके से इस पैकेट के अंदर हमें ये लंच बॉक्स मिला है और इसे हम अभी इस पैकेट से बाहर निकालेंगे। ओके, ये है हमारा लंच बॉक्स, इसके अंदर से ये निकली है जिसे हम फेंक देंगे। ओके, इसे अभी हम ओपन करेंगे। वेरी नाइस। ओके, साइज भी काफ़ी अच्छा है। वैसे तो मैंने साइज वगैरह रीड करके ऑर्डर किया था, लेकिन अच्छा है साइज। एक्चुअली प्रोडक्ट देख के ज़्यादा पता चलता है, जितना मर्जी हम साइज वगैरह देख के ऑर्डर कर लें, ठीक है। ये है बैग, इसका कलर वगैरह काफ़ी अच्छा है। वैसे गाइज, मैंने तो बड़ा लंच बॉक्स मंगवाया जिसके अंदर हमें 4 कंटेनर्स मिले हैं। अगर आपको 2 कंटेनर्स वाला चाहिए तो आप इससे छोटे वाला लंच बॉक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, इनको हम ओपन करके देख लेते हैं। वाई शुड यू चूज एलो? पता नहीं, अब मैं इसे एलो बोलूँगी या आलो बोलूँगी, मतलब मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता। अदर साइजेस ऑल्सो अवेलेबल इन स्क्वायर, रिक्टेंगल एंड राउंड। ये वाले शेप्स में अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैंने जो मंगवाया है इसमें मुझे 2 कंटेनर्स राउंड शेप में मिले हैं, 2 स्क्वायर में मिले हैं, ठीक है। स्क्वायर वाला भी आपको दिखा देते हैं, साइज वगैरह काफ़ी अच्छे हैं गाइस। ये देखिए, इसमें भी सेम वही बातें मेंशन है, ठीक है। सबको एक बार चेक तो कर ही लेते हैं ना। ओके, ठीक है।
इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कहाँ पर है, ये रहा इसका प्राइस। इसका प्राइस था गाइस 2052, लेकिन मुझे ये कितने में मिला है मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर ना एक्चुअली ऑफ चल रहा था, एक मिनट। यस, ये देखिए 1499, मतलब अराउंड 1500 रुपये में मुझे ये लंच बॉक्स मिला है। हैवी भी काफ़ी है ये लंच बॉक्स। एक्चुअली जो ग्लास वाले लंच बॉक्स होते हैं वो हैवी ही होते हैं। अगर आपको ज़्यादा हैवी नहीं लेना तो आप इसमें ना 2 कंटेनर्स वाला लंच बॉक्स भी ले सकती हैं, लेकिन मुझे 4 वाला ही चाहिए था तो मैंने ये लिया है। ठीक है, इतना ज़्यादा भी वेट नहीं है, लेकिन मतलब जो प्लास्टिक वाले नॉर्मल लंच बॉक्सेज होते हैं उसके हिसाब से थोड़ा वेट है। और गाइस अगर बैग की क्वालिटी की बात की जाए, बैग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे हम पकड़ सकते हैं ऐसे, और काफ़ी अच्छा है। सो गाइस यहाँ पे आप इसकी चेन की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है चेन की भी। वैसे तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने काफ़ी कुछ मेंशन किया है, लेकिन फिर भी अभी मैं इसे कुछ दिन यूज़ करके इसका रिव्यू भी आपके साथ किसी ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि ये सच में लीक प्रूफ है या नहीं है। मुझे बस यही डर लग रहा था कि कहीं ये ना हो इसमें से सब्जी वगैरह कुछ लीक हो जाए। वैसे तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंशन किया है कि लीक प्रूफ है ये, लेकिन फिर भी यूज़ करके मैं किसी ब्लॉग में इसका रिव्यू भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। वैसे गाइस मैंने तो इसे अमेज़ॉन से बाय किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.alloinnowhere.com। तो गाइस ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।